the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello all of you. आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था. लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इजी हो जाता है. एक्चुअली में हम लोगों को लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को यूज़ करना है ट्रांजिएंट एनालिसिस में. होता क्या है बेसिकली कि जब हम किसी इंडक्टर या कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट में केवीएल लगाते हैं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है हम लोगों को. जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी आप वहाँ से आई ऑफ एस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको. अगर इस आई ऑफ एस में इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा दिया जाए तो जो हमको रिक्वायर्ड है आई ऑफ टी वो मिल जाएगा. यानी ये स्टेप है, सबसे पहले केवीएल लगाना है तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, फिर उसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे तो हमको आई ऑफ एस का इक्वेशन मिल जाएगा, और उसमें फिर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे. इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज जो हैं वो बहुत हद तक लैपलास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स होता है ना. और इसमें एक खास मैथमेटिकल टूल यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. तो आज की वीडियो में हम लोग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज पार्शियल फ्रैक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा. वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे. देखिए ये सारे फॉर्मूलाज जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस की है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर ऑफ एन फैक्टोरियल एन बाई एस टू द पावर ऑफ एन प्लस वन होता है. इसी फॉर्मूले के बेसिस पे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन का वन बाई एस हो जाता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का वन बाई एस स्क्वायर हो जाता है, और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी थ्री का टी टू द पावर ऑफ थ्री का फैक्टोरियल थ्री बाई एस टू द पावर ऑफ फोर होता है. यानी टी का जितना पावर होगा उतना ही का फैक्टोरियल लेना है और डिवाइडेड बाई एस का एक पावर एक्स्ट्रा रहता है. तो ठीक इसी के अपोजिट में अगर हमको कहीं पर लैपलास इनवर्स ऑफ वन बाई एस दिख गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. ठीक है, और लैपलास इनवर्स ऑफ वन बाई एस स्क्वायर है कहीं पर तो उसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं. लैपलास इनवर्स ऑफ वन बाई एस टू द पावर ऑफ फोर, तो देखिए वन बाई एस टू द पावर ऑफ फोर के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे फैक्टोरियल थ्री होना चाहिए लेकिन है तो नहीं. वहाँ पर फैक्टोरियल थ्री लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वन बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू टी टू द पावर ऑफ थ्री हो जाएगा. जितना यहाँ पे पावर है एस का उससे एक कम पावर देंगे. यानी जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, वन बाई एस टू द पावर ऑफ एन का अगर लैपलास इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले जो यहाँ पर एन का पावर है उससे एक कम का फैक्टोरियल लेंगे, एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवीजन में, और टी टू द पावर ऑफ एन माइनस वन होगा. इस फॉर्मूले से देख के समझ सकते हैं आप, जितना यहाँ पर एस का पावर है एक कम का फैक्टोरियल इंटू टी टू द पावर ऑफ जितना एस का पावर था उससे एक कम पावर रहेगा टी का. ठीक है, तो ये हो गया सबसे बेसिक जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कह रहे थे. उसके बाद एक्सपोनेंशियल के लिए हम लोग पढ़े थे पिछले बार कि e टू द पावर ऑफ माइनस ए टी है उसका लैपलास वन बाई एस प्लस ए होता है, e टू द पावर ऑफ प्लस ए टी रहता है तो वन बाई एस माइनस ए होता है. तो इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, अगर आपको वन बाई एस प्लस ए का लैपलास इनवर्स निकालना है तो e टू द पावर ऑफ माइनस ए टी हो जाएगा. उसी तरह से वन बाई एस माइनस ए का लैपलास इनवर्स निकालना है तो e टू द पावर ऑफ प्लस ए टी हो जाएगा. यानी यहाँ पर अगर प्लस है तो e टू द पावर ऑफ माइनस ए टी, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर e टू द पावर ऑफ प्लस ए टी होगा. अब ये कुछ ट्रिगोनमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस का लैपलास हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था. तो यहाँ पे देखिए लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है. अगर कहीं पर आपको लैपलास इनवर्स निकालना है और वन बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो अगर यहाँ पर ओमेगा रहता तब तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते थे साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे ओमेगा है नहीं तो ओमेगा से हमको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा. कॉस के केस में कॉस ओमेगा टी का लैपलास क्या होता है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है. उसी तरह से अगर एल इनवर्स एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रहेगा तब हम कॉस ओमेगा टी देंगे. देखिए ध्यान ये रखिएगा, अगर यहाँ पर वन रहता है तो साइन का टर्म आएगा, अगर यहाँ पर एस रहता है तो कॉस का टर्म आएगा. उसी तरह से यहाँ पे देखिए हाइपरबोलिक में क्या था, पहले साइन एच ओमेगा टी का था ओमेगा बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो अगर कहीं पर आपको वन बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, देखिए ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हाइपरबोलिक फंक्शन है, और यहाँ पर वन होना ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर साइन का टर्म आएगा.
ठीक है, तो यहां पर हमको ओमेगा पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 बाई ओमेगा हो जाएगा और साइन एच ओमेगा टी हो जाएगा। उसी तरह से देखिए कॉस एच ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला था, लैपलास में एस बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था। तो अगर कहीं पर आपको लैपलास इनवर्स निकालना है और वहां पर एस बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये जो माइनस है डिनोमिनेटर में वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन है कॉस का। कॉस का कैसे पता चल रहा है, यहां पर एस न्यूमेरेटर में अगर एस है तो कॉस हो जाएगा और एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज से कॉम्पेयर करके बेसिक फंक्शन का लैपलास इनवर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखी थी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि हम जानते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो होता है वो एफ ऑफ एस होता है। तो अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम लोग क्या करते थे कि f ऑफ s निकाल लेते थे f ऑफ t से, और जहाँ जहाँ पर s रहता था उसको s माइनस a से रिप्लेस कर देते थे। अगर e टू द पावर ऑफ माइनस a t है प्रोडक्ट में तो हमको s को s प्लस a से रिप्लेस करना रहता था। तो यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चार पांच क्वेश्चन मैंने लिया है। मान लेते हैं कहीं पर आपको लैपलास इनवर्स निकालना है 1 बाई s माइनस a टू द पावर ऑफ n का। तो यहाँ पे देखिए देख के पता चल रहा है यहाँ पर आपको s माइनस ए नजर आएगा, तो वहां पे आप सोच लीजिएगा कि e टू द पावर ऑफ ए टी प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो e टू द पावर ऑफ ए टी यहाँ से अब ये a चला गया, ठीक है ना। अब क्या बच गया, 1 बाई एस टू द पावर ऑफ n बच गया। 1 बाई एस टू द पावर ऑफ n के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू t टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप 1 बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को करना है, तो यहाँ पर s माइनस ए का होल स्क्वायर है। यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से e टू द पावर ऑफ ए टी लिख सकते हैं, तो e टू द पावर ऑफ ए टी हो गया। अब ये क्या बच रहा है, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बच रहा है, तो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का 1 बाई ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए s माइनस ए, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी s माइनस ए, यहाँ पे भी s माइनस ए, इसका मतलब है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा हुआ है इसमें। तो e टू द पावर ऑफ ए टी ले लेंगे। अब क्या बच जाएगा इसके पास, इसके पास बचेगा s बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और s बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का लैपलास इनवर्स होता है कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे आते हैं 1 बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो जब भी माइनस रहेगा तो हमको हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर देखिए s माइनस ए होने की वजह से पहले e टू द पावर ऑफ ए टी आ गया, उसके बाद ऊपर में s नहीं है, ऊपर में s नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन का टर्म रहेगा, और एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है इसका मतलब है कि हाइपरबोलिक रहेगा। तो e टू द पावर ऑफ ए टी 1 बाई ओमेगा साइन एच ओमेगा टी लिख सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट है, देखिए एस माइनस ए बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों ही जगह पर एस माइनस ए है, इसका मतलब है कि e टू द पावर ऑफ ए टी आप कॉमन निकाल सकते हैं। जब आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से e टू द पावर ऑफ ए टी को कॉमन निकाल लिए तो अब इसके पास क्या बचेगा अपने आप में, एस बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और एस बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का लैपलास इनवर्स होता है कॉस एच ओमेगा टी। तो इस तरह से आसानी से अगर आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लैपलास ट्रांसफॉर्म की समझ में आ गई है तो इनवर्स में समझना बहुत ईजी है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे है कि s प्लस 7 बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है, तो ये 7 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं s प्लस 1 प्लस 6 बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब ये s प्लस 1 का एक टर्म बना लिए प्लस 6 बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 कर दिए। ये मिडिल टर्म हर बार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मिडिल टर्म की वजह से हम ना इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए तो एस स्क्वायर प्लस 2s इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको s प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो s प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखने से क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2s हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो प्लस 1 तक तो यहाँ लिख लिए, टोटल 5 था तो 4 बचा, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये वाला चीज़ एडजस्ट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी हम उसी तरह से क्या है, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लिए प्लस 2 का स्क्वायर कर लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एस प्लस 1 है, यहाँ पर भी एस प्लस 1 है, यानी ई टू द पावर ऑफ माइनस टी को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से e टू द पावर ऑफ माइनस टी निकल गया। अब इसके पास क्या बचा, s बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए जहाँ जहाँ पर s है s के साथ तो s प्लस 1 है, तो e टू द पावर ऑफ माइनस टी निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा जरा सा, इसके पास 2 है, यहाँ पर ओमेगा के जगह में 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे 2 रखते हैं और जो बाकी चीज़ है यानी 3 इंटू 2 6 को लिखा जा सकता, तो 3 को हम बाहर लेके आ गए। तो 3 इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस टी पहले हो गया, लैपलास इनवर्स ऑफ बचा क्या, 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बचा। तो अब ये जो टर्म है s बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका लैपलास इनवर्स हम लिख सकते हैं cos 2t, और ये जो 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है इसका लैपलास इनवर्स हम लिख सकते हैं sin 2t। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास
कि हमको इस फंक्शन का लैपलास इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू, इसको हम फैक्टोराइज कर देंगे। तो एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू लिखा जा सकता है। फॉर्चुनेटली एस प्लस वन और एस प्लस वन कैंसिल हो जा रहा है, तो अब मेरा क्या बच गया, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू बच गया वन बाई एस प्लस टू। और अगर एस प्लस टू का आप लैपलास इनवर्स निकालने जाइएगा तो सिंपली ई टू द पावर ऑफ माइनस टू टी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट के लिए दिए हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। आंसर भी मैंने लिख लिया है, आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। पार्शियल फ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है। सबसे पहले इसका यूज़ समझिए। बेसिकली देखिए, अगर मान लेते हैं एक फंक्शन इस तरह से है, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग स्प्लिट आसानी से कर सकते हैं। यानी 5s plus 3 बाई एस प्लस टू इंटू एस माइनस थ्री को हम आसानी से 5s बाई एस प्लस टू इंटू एस माइनस थ्री प्लस 3 बाई एस प्लस टू इंटू एस माइनस थ्री लिख सकते हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम 5s प्लस थ्री बाई एस प्लस टू इंटू एस माइनस थ्री को डिनोमिनेटर के हिसाब से स्प्लिट करना चाहें, यानी कि हम लिखना चाह रहे हैं इसको समथिंग बाई एस प्लस टू प्लस बी, कोई कांस्टेंट ले लें हम बाई एस माइनस थ्री, तो ये इस तरह से लिख पाना पार्शियल फ्रैक्शन से पॉसिबल है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप इस तरह के फंक्शन को इस तरह से लिख पा रहे हैं तो आप फिर आसानी से लैपलास इनवर्स लगा सकते हैं। अब हम समझते हैं इसको कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक आसान सा फंक्शन है 50 बाई एस इंटू एस प्लस 10, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 10 लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इसका एलसीएम वगैरह ले ले रहे हैं। एलसीएम लेने के बाद कॉफिशेंट को, एस के कॉफिशेंट को एक जगह पर और जो कांस्टेंट टर्म है उसके कॉफिशेंट को एक जगह पे कर दे रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने पर ए प्लस बी, यानी एस का कॉफिशेंट तो कुछ भी नहीं था, तो ए प्लस बी का वैल्यू जीरो आ रहा है और कॉन्स्टेंट टर्म का कॉफिशेंट 50 था, तो 10 ए का वैल्यू 50 आ रहा है। यानी अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ए का वैल्यू 5 और ए प्लस बी इक्वल टू जीरो था, इसलिए बी का वैल्यू माइनस 5 आ गया। यानी ये जो एक्सप्रेशन था इसको हम 5 बाई एस माइनस 5 बाई एस प्लस 10 लिख सकते हैं। हमने सही किया है या नहीं किया है, जब आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इतना ही आ जाएगा। अब अगर हम लैपलास इनवर्स लगाना चाहें तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। 5 बाई एस का 5 हो जाएगा और 5 बाई एस प्लस 10 का 5 इंटू टू द पावर ऑफ माइनस 10 टी हो जाएगा। तो ये फायदा है पार्शियल फ्रैक्शन का। एक क्वेश्चन और लेके समझते, मान लेते हैं आई ऑफ एस का फॉर्मूला है 5 इंटू एस प्लस 40 बाई एस इंटू एस प्लस 20। तो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में दो फैक्टर था मेरा, एक फैक्टर था s, एक फैक्टर था s प्लस 20। तो एक अननोन वेरिएबल a बाई एस कर दिया प्लस एक और अननोन वेरिएबल b बाई एस प्लस 20 कर दिया। दोनों फैक्टर के लिए एक एक वेरिएबल असाइन कर दिया हम लोगों ने। अब मेरा टारगेट है a और b का वैल्यू निकालना। सिंपली फिर से हम लोगों ने LCM निकाल दिया, चूंकि डिनोमिनेटर सेम था इसलिए डिनोमिनेटर को हम लोग कट कर सकते हैं। तो LHS में मेरा क्या है, 5s plus 200 है और यहाँ पर अगर हम कॉफिशेंट वाइज s के कॉफिशेंट को एक जगह करेंगे तो a plus b आएगा और 20a जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जिसमें कोई s का टर्म ना हो। ठीक है, अब जब हम कॉफिशेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से 5 आ रही है। यहाँ पे भी देखिए s का कॉफिशेंट a प्लस बी था और यहाँ पर s का कॉफिशेंट 5 था। इक्वल होने के लिए ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो a प्लस बाई बी का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 20a जो मेरा अदर देन s का कॉफिशेंट 0 वाला जो टर्म है, तो 20a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए, तभी LHS और RHS बराबर हो सकता है। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया 10 और a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा माइनस 5। तो इस तरह से I of s जो मेरा इतना बड़ा टर्म था 5 into s plus 40 by s into s plus 20, उसको आप लिख सकते हैं 10 by s minus 5 by s plus 20। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर इसको आप फिर से सिंप्लीफाई करेंगे LCM वगैरह लेके तो आपको फिर से यही एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए, अगर आपने सही बनाया होगा तो। तो इस तरह से आप लैपलास इनवर्स लगा के आराम से आई ऑफ टी का वैल्यू निकाला सकते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 10, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस 20। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका भी आपको लैपलास इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पर मिडिल टर्म पे फोकस करेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो s प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो s प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखने पर कितना हो गया, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 हो चुका, 13 था टोटल, तो प्लस 9 यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, माइनस 3 है, यहाँ पे देखिए प्लस 2 आ रहा है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी s है s के साथ प्लस 2 रहना चाहिए ताकि हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकें। तो अपने मन से हम क्या कर रहे हैं, s प्लस 2 कर दे रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए था, माइनस 3 होना चाहिए था।
तो माइनस थ्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस फाइव लाना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से एस माइनस थ्री आ जा रहा है। तो अब ये मेरा परफेक्टली सॉल्व हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं, यानी एस प्लस टू बाई एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव बाई एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जब हम अगर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो e टू द पावर ऑफ माइनस टू टी निकल जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, s बाई एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, उसके जगह में हम कॉस थ्री टी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थ्री होना चाहिए था लेकिन थ्री तो है नहीं, तो हम अपने मन से थ्री से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव बाई थ्री ई टू द पावर ऑफ माइनस टू टी। और यहाँ पर क्या बच रहा है, थ्री बाई एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर बच रहा था, तो उसके जगह में हम साइन थ्री टी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लैपलास इनवर्स बनाया जाता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और बेसिक फॉर्मूलाज को यूज करके। अब पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत सारा केस है, वो केस सिर्फ हम आप लोगों को हिंट कर दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई सा भी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक देखिए, सबसे पहला केस है कि रूट्स मेरा रियल सिंपल एंड अनइक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूट्स हैं डिनोमिनेटर के वो रियल हैं, सिंपल हैं एंड अनइक्वल हैं। क्या क्या रूट है मेरा, जीरो है, माइनस फाइव है, माइनस थ्री है। तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, हर फैक्टर के लिए एक वेरिएबल असाइंड करेंगे, यानी a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस फाइव प्लस सी बाई एस प्लस थ्री। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया है आपको। तो हमको कोशिश क्या करना है कि इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो इसको हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, एस प्लस फाइव एस प्लस वन। तो अब ये क्या आ गया, माइनस वन आ रहा है इसका रूट और माइनस फाइव आ रहा है, तो हम इसको ए बाई एस प्लस फाइव प्लस बी बाई एस प्लस वन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए फोर एस स्क्वायर माइनस फोर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा, फाइव बाई एस प्लस वन टू एस माइनस टू लिख सकते हैं इंटू टू एस प्लस टू लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी तीन फैक्टर आ रहा है, तो हर फैक्टर के लिए एक वेरिएबल असाइन करेंगे, ए बाई एस प्लस वन प्लस बी बाई टू एस माइनस टू प्लस सी बाई टू एस प्लस टू। ठीक है, और हर बार हम लोगों को ए बी सी या जो भी वेरिएबल हम असाइन किए उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला है जिस तरह से। अब आते हैं, जब मल्टीपल रूट्स हो डिनोमिनेटर का तब हम क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे s इंटू एस प्लस टू का होल स्क्वायर है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर के लिए पहला जो मेरा फैक्टर है तो a बाई एस हो जाएगा, s प्लस टू के लिए एक वेरिएबल लेंगे यानी b बाई एस प्लस टू, और एक और वेरिएबल असाइन करेंगे जिसके साथ हम s प्लस टू का होल स्क्वायर करेंगे। याद रखिएगा ये तरीका होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, s प्लस वन बाई एस स्क्वायर इंटू एस माइनस टू। तो देखिए यहाँ पे s इज इक्वल टू जीरो जीरो दो बार है, तो हम क्या करेंगे, a बाई एस लेंगे प्लस b बाई एस स्क्वायर लेंगे प्लस c बाई एस माइनस टू लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अगर डबल रूट रहता है तो एक बार सिंगल फैक्टर के साथ और एक बार डबल फैक्टर के साथ दो अलग अलग वेरिएबल लेते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड केस है, जब कॉम्प्लेक्स रूट रहेगा तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हम लोगों को जो रूट मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नेचर का मिलेगा, माइनस वन प्लस माइनस जे टू। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस प्लस फाइव एस इंटू जो भी रूट आया है एस माइनस दैट रूट इंटू एस माइनस दैट रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस इंटू एस प्लस वन माइनस जे टू, और एक बार हो जाएगा एस प्लस वन प्लस जे टू। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, प्लस जे टू होगा यहाँ पे। तो अब हम इसको आसानी से, क्योंकि फैक्टर में बन चुका है, तो ए बाई एस प्लस बी बाई सेकेंड फैक्टर प्लस सी बाई थर्ड फैक्टर कर देंगे। तो कोई खास चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ पर उस रूट को कैलकुलेट करके फैक्टर बनाना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी जो है ना मेरा गिवन एक्सप्रेशन जो रहता है वो इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, अब तक जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था तो सब में डिनोमिनेटर का जो डिग्री था एस का वो ज़्यादा था। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, लेकिन कभी अगर डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो अगर न्यूमिनेटर के बराबर हो जाए या इक्वल हो जाए तो थोड़ा सा मेथड बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे भी एस का पावर टू है और यहाँ पर भी एस का पावर टू ही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर बराबर रहेगा तो एक वेरिएबल अलग से ले लेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे प्लस बी के साथ ये वाला फैक्टर और सी के साथ एस माइनस टू हो जाएगा, ये बस एक नया चीज़ आ जाएगा। मान लेते हैं ज़्यादा है, एस क्यूब है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए एस प्लस बी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सी के साथ एस प्लस वन हो जाएगा और डी के साथ एस माइनस टू हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, इम्प्रॉपर वाले केस में इस तरह से बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको बनाना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आप अगर देखें तो देख के बता सकते हैं कि भाई ये रूट्स जो है वो मल्टीपल रूट्स हैं। ठीक है ना, एस प्लस टू दो मरतबा है, तो हम क्या करेंगे, ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस टू प्लस सी बाई एस प्लस टू का होल स्क्वायर करेंगे, फिर एलसीएम वगैरह लेंगे।
एस स्क्वायर का कोफिशियंट एक जगह करेंगे, एस का कोफिशियंट एक जगह करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है मतलब जिसमें कि कोई एस का कोई टर्म नहीं है उसको एक जगह करेंगे, फिर कॉम्पेयर करेंगे। तो देखिए ए का वैल्यू निकल गया -1.25, उसी तरह से ए प्लस बी का वैल्यू 0 आया था तो बी का वैल्यू जो है +1.25 निकल जाएगा, और फाइनली ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो सी का वैल्यू निकल जाएगा 3.5। तो मेरा एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1.25 by s + 1.25 by s + 2 + 3.5 by s + 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ये एक असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को खुद से बनाना है। आंसर मैंने लिख दिया है, आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म होता है और उसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, जैसे एस स्क्वायर प्लस 5 है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो हम न्यूमरेटर में जो वेरिएबल लेंगे ना वो ए एस प्लस बी इस तरह से लेंगे, और तीसरा ये वाला तो सिंपल है तो ये सी बाई एस प्लस 3 हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एस क्यूब रहता तो क्या लेते हैं हम यहाँ पे ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी लेते हैं और यहाँ पर डी कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे आपको पावर लेना है, जो भी यहाँ पे पावर लेना है उससे एक कम पावर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। पार्शियल फ्रैक्शन का, लैपलास इनवर्स का, लैपलास ट्रांसफॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट में होने वाला है। तो होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।